हाँ जी बच्चे, देखिए तो आपका सवाल है कि ए टेबल टेनिस बॉल विच हैज बीन कवर्ड विथ ए कंडक्टिंग पेंट इज सस्पेंडेड बाय ए सिल्क थ्रेड। तो टेबल टेनिस बॉल जो आप जानते हैं बहुत हल्का बॉल होता है और प्लास्टिक का होता है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, और ऊपर से उस पर आपने इसीलिए क्या कर दिया, कंडक्टिंग पेंट एक लगा दिया। ठीक है, मतलब अभी क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बॉल के ऊपर आ गए। तो सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड क्या होता है, वो नॉन कंडक्टिंग होता है, तो कोई भी अगर ये चार्ज होगा तो इस वो चार्ज जो है इस थ्रेड के थ्रू भागेगा नहीं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होता है सिल्क, ये याद रखिएगा। सो दैट इट हैंग्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, यहाँ एक मेटल प्लेट है, दूसरा मेटल प्लेट है। वन प्लेट इज अर्थ, एक प्लेट को अर्थिंग दे दी गई है। अर्थिंग का मतलब समझ के रखिएगा, जीरो वोल्ट। ठीक है, जहां भी अर्थिंग की बात होगी उसका मतलब होगा कि उस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, एग्जैक्टली जीरो वोल्ट। अच्छा, व्हेन द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज जनरेटर, ये वाला इस प्लेट को एक किसी हाई वोल्टेज जनरेटर, मान लो कि उसने प्लस चार्ज की, जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है तो उसके ऊपर आपका पूरा प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज से आपने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो कहता है कि अब बताइए इस बॉल का क्या होगा। तो देखिए, बॉल जब यहाँ पर इस तरह से सस्पेंडेड था, तो इस पर जब जैसे ही बहुत हाई चार्ज आया, खूब ढेर सारा प्लस चार्ज आया, तो क्या करेगा, एक इंडक्शन का फेनोमेनन हो जाएगा। इंडक्शन के फेनोमेनन की वजह से, क्योंकि आपने तो इसके ऊपर ये कंडक्टिंग पेंट तो कर ही दिया था, है ना, कंडक्टिंग पेंट, तो इसके ऊपर आपने कंडक्टिंग पेंट कर दिया था, तो ये अपनी तरफ आने वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सारे निगेटिव चार्ज इधर बन जाएंगे, पॉजिटिव उस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहना है ना, इसीलिए उस तरफ पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब जो इधर निगेटिव आ गया, ये क्या हुआ, ये इस प्लस के इस प्लेट पर जो ढेर सारा प्लस चार्ज है उसके तो काफी क्लोज आ गया इधर वाला, इधर को है, तो ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, याद रहे ये कंडक्शन के वजह से, सॉरी इंडक्शन की वजह से जो अट्रैक्शन है ये तभी पॉसिबल होगा जब इधर जो चार्ज का अमाउंट हो वो काफी ज्यादा हो, और ऐसा क्वेश्चन में कह भी रहा है कि वेरी हाई वोल्टेज जनरेटर से आपने इसको अटैच कर रखा है, तो इस पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आ गया तो क्या करेगा, इस छोटे से माइनस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करते ही क्या होगा, ये इसमें आके खट से सट जाएगा। अब जैसे ही ये इसमें टच करेगा तो कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा, कंडक्शन मतलब छूने के बाद जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो जैसे अभी ये न्यूट्रल था, इसको जैसे ही वो छुएगा क्या होगा, ये ओवरऑल पूरा का पूरा प्लस चार्ज इससे कंडक्शन की वजह से आ जाएगा। कहीं भी कोई भी चार्ज हो उसको आप छुओ तो क्या होता है, वो कंडक्शन की वजह से चार्ज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, तो इस पर पूरा का पूरा प्लस आ गया। अब तुम खुद ही सोचो कि ये यहाँ पे प्लस है, पहले से प्लेट पर प्लस है, और ये बॉल भी अब प्लस हो चुका है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, सेम चार्ज है, रिपल्सन करेंगे, सीधी सी बात है, तो ये यहाँ से ना रिपल्सन होगा तो यहाँ से भाग जाएगा, तो फिर ये यहाँ से भाग गया, भाग करके क्या होगा, उस साइड जाकर टकराएगा, और उस साइड के प्लेट को आपने कर क्या रखा है, अर्थिंग कर रखी है आपने, जीरो वोल्ट पे डाल रखा है इसने। प्लस चार्ज अगर कभी भी आ गया तो समझिएगा कि जीरो से ऊपर आ गया, मतलब कि हाई वोल्टेज हो गया, और चार्ज हमेशा जानते हो किधर से किधर फ्लो करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, तो ये आ गया हाई वोल्टेज में और जीरो वोल्ट हो गया लो वोल्टेज यहाँ पे, तो फिर क्या हो गया, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चार्ज का फ्लो हो जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में एग्जैक्ट समझिए, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये न्यूट्रल होना चाहेगा, वो कैसे होगा, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास करके आएंगे आएंगे, और जितना प्लस है उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस के रूप में आकर के इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कि इस बॉल को भी जीरो वोल्ट पे ले आएगा। उसे टच किया, अर्थिंग के साथ था जीरो, तो बॉल भी आ जाएगा जीरो, जीरो आने का मतलब इसका सारा प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना भी प्लस किया है उतना ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये एकदम सिंपल सा बॉल बन गया, वो पहले के जैसा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो फिर वो उसमें क्यों सटा हुआ रहेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है, वो वहां से वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर वो वापस आएगा तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, वापस आते ही जैसे इसके रेंज में आएगा बस ये इधर फिर से इंड्यूस कर देगा, माइनस चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस को उधर रख देगा, ये सारा प्लस उस माइनस को फिर से अट्रैक्ट कर लेगा, फिर अपने पे जैसे आएगा आएगा तो इससे कंडक्शन के थ्रू पूरा चार्ज हो जाएगा, फिर जैसे ही प्लस प्लस आएगा रिपल्सन हो जाएगा, फिर जाके उधर अपना सारा चार्ज लूज कर देगा, फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना। न्यूट्रल हो जाने के बाद तो उसमें सट के रहेगा नहीं, तो ये वापस ग्रेविटी के अंडर में गिर जाएगा ना, तो वो फिर से न्यूट्रल आएगा, जैसे यहाँ आ जाएगा फिर से इंडक्शन होगा और
सो ऑन। तो इस तरह से ये इधर उधर पूरा ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में टकराता रहेगा, सिंपल है।